हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट ब्लॉगर। सो कीप वाचिंग ऑन दिस वीडियो। दोस्तों, आप हो छत्तीसगढ़ में और लेना चाहते हो बरसाती मौसम का मजा, या फिर आप इस मौसम में आउटडोर का प्लान कर रहे हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, वीडियो पर पूरा बने रहें और पूरा देखें। दोस्तों, हम आपको आज छत्तीसगढ़ के ऐसे प्राकृतिक जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों में सबसे पहले नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, इस बरसाती मौसम आपका घूमने का प्लान कहाँ का है, ये मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और वीडियो पूरा देखें। चित्रकूट वाटरफॉल। दोस्तों, यह वाटरफॉल छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्थित इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फुट ऊपर है। जगदलपुर से 39 किलोमीटर की दूरी पर इंद्रावती नदी पर यह जलप्रपात बनता है। समीक्षकों ने इसे आनंद और तांडव का मिलाप माना है। 90 फुट की ऊंचाई से इंद्रावती की ओजस्विन धारा गर्जना करते हुए नीचे की ओर गिरती है। यह एक पर्यटन स्थल बन चुका है, यहाँ काफी दूर दूर से लोग आया करते हैं। इसके साथ आता है तीरथगढ़, जो कि यह जगदलपुर की दक्षिण पश्चिम दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जलप्रपात को भारत के ऊंचे झरनों में गिना जाता है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 300 फुट है। यहाँ के लोग पिकनिक का आनंद लेने आया करते हैं। इस झरने को घूमने के लिए अक्टूबर से फरवरी माह में बेहतर माना गया है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग पर्यटक के रूप में आया करते हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ रेनी सीजन में आते हैं तो यहाँ की वादियाँ आपको लुभाने लगेंगी और आपको यहाँ दोबारा आने पर विवश करेंगी। तो दोस्तों, यह हमारा तीरथगढ़ वाटरफॉल बहुत ही प्यारा है। जतमाई। वैसे तो दोस्तों, जतमाई रानी का नाम साथ में लिया जाता है, लेकिन है अलग अलग स्थान। यह जतमाई गरियाबंद में रायपुर से 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जलप्रपात के साथ जतमाई माता रानी का मंदिर भी है। मंदिर खूबसूरती से कई छोटे छोटे शिखरों पर बनी हुई है। साथ ही यहाँ पौराणिक पात्रों का चित्रण भी देखने को मिलेगा। घने जंगलों के मध्य होने के साथ साथ जलप्रपात भी है, जो बरसाती सीजन में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। घटा रानी। दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हो तो सबसे पहले आपको जतमाई के दर्शन करने पड़ेंगे, उसके बाद घटा रानी आता है। दोस्तों, इस झरने के समीप ही घटा रानी देवी का स्थित है, जिसके कारण यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। यह झरना मंदिर प्रवेश करने से पहले डुबकी लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यह कि प्रकृति पूल में डलता है। तो दोस्तों, इस बरसाती मौसम में यहाँ का आनंद लेने जरूर आएं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको साधनों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, इसलिए आप अपने पर्सनल साधन पर ही यहाँ आइए। देवपहरी। देवपहरी वाटरफॉल कोरबा से 58 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी पूर्व दिशा में चौराणी नदी के किनारे पर स्थित है। यह चारों ओर से पहाड़ व पठारों से घिरा हुआ है। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ बड़े शहरों से भी लोग आया करते हैं और यह एक दार्शनिक आकर्षण का केंद्र बन गया है। काफ़ी संख्या में लोग पिकनिक और प्राकृतिक का लुत्फ़ उठाने आया करते हैं। अगर आप कोरबा और बिलासपुर के क्षेत्र में रहने वाले हैं तो दोस्तों, आपको यहाँ एक बार अवश्य आना चाहिए और इस प्राकृतिक का नज़ारे का आनंद जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ एक बार आप रेनी सीजन में अवश्य आएँ और इस वाटरफॉल का नज़ारा जरूर देखें। दूधधारा। अमरकंटक में स्थित कपिल धारा और दूधधारा दोनों एक ही स्थान पर 200 मीटर की दूरी पर अमरकंटक की जंगलों के मध्य प्रवाहित होते हैं। अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात ऋषि दुर्वासा ने यहाँ तपस्या किया था। साथ ही
यह दूध धारा के समीप एक छोटी सी गुफा भी है जिस पर दुर्वासा ऋषि ने यज्ञ किया था। इसे पहले दुर्वासा धारा के नाम से जाना जाता था, जो बाद में अपभ्रंश होकर दूध धारा हो गया। साथ ही इस स्थान पर माँ नर्मदा ने उनकी तपस्या से खुश होकर उनको साक्षात दर्शन भी दिए थे। तब से इस स्थान को दूध धारा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाटरफॉल? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें।